नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल। आप देख रहे हैं अनिल मोबाइल टेक्नीशियन चैनल। तो अभी मेरे पास है मोबाइल सैमसंग का J56। देखिए सैमसंग J510GN, ठीक है, सैमसंग J56 है, J510GN। इसमें एंड्रॉयड वर्जन है 7। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें FRP लॉक लग गया है, फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन। तो इसको FRP लॉक हम कैसे रिमूव करते हैं, क्या है इसका सिस्टम, ये सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा शुरू से लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सिर्फ ये मॉडल नहीं, सैमसंग के जितने भी एंड्रॉयड वर्जन 7 के मोबाइल हैं वो सब आप इसी मेथड से, जिस मेथड से मैं सिखाऊंगा, इस मेथड से आप FRP लॉक रिमूव कर सकते हो एंड्रॉयड 7 वर्जन के। तो देखिए मोबाइल खुल गया, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। स्टार्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट, चेकिंग फॉर अपडेट बोल रहा है। तो देखिए ये जो नेक्स्ट है ये नहीं हो रहा है, ये बोल रहा है इंटर एन ईमेल और फोन, ठीक है। तो अब इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे देखते हैं। चलिए, तो इसको रिमूव करने के लिए ये जो आपका होम बटन है, ठीक है ना, होम बटन है, इसको 3 बार प्रेस करना पड़ेगा आपको जल्दी जल्दी से, ठीक है। ये जो होम बटन है तो इसका टॉक बैक ऑन हो जाएगा, तो इसको मैं 3 बार जल्दी जल्दी प्रेस करता हूँ। देखिए 1 2 3, ठीक है, तो इसका टॉक बैक ऑन हो गया। तो अब हमको यहाँ पे ऐसे इसको यल बनाना है, तो हमको यहाँ पे ऐसे एल बनाना है, एल, ठीक है। देखिए टॉक बैक ऑन होने के बाद ऐसे एल बनाना है, एल एल बनाते ही ये इतने सारे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। तो ऑप्शन आने के बाद हमें जानना है यहाँ पे, तो अपना ये टॉक बैक सेटिंग जो है तीसरा नंबर का, इस ऑप्शन पे हमें जाना है, ठीक है। अब ये टॉक बैक सेटिंग को ऑफ करने के लिए भी आपको ये होम बटन प्रेस करना पड़ेगा 2 बार, ठीक है। अब ये होम बटन को 3 बार जल्दी जल्दी से प्रेस करने पे टॉक बैक इसका ऑफ हो जाएगा, ठीक है, ऑफ हो गया टॉक बैक। तो अब आपको जाना है यहाँ पे हेल्प एंड फीडबैक का जो ऑप्शन है, ये हेल्प एंड फीडबैक पे जाना है, ठीक है। अब यहाँ से कोई सा भी एक, अपने आप ये इतने सारे ऑप्शन आएंगे, कोई सा भी एक चूज़ कर लीजिए। तो देखिए हेल्प में ऐसे करके एक ऑप्शन आ जाएगा, एक आपको वीडियो दिखाई देगा यहाँ पे, तो आपको ये वीडियो जो दिखाई देगा इसको आपको प्ले करना है, ये देखिए, ठीक है। वीडियो प्ले करने पे यहाँ पे एक शेयर का ऑप्शन है, ये देखिए हम जाएंगे इस शेयर पे, ठीक है। देखिए एक बार फिर से दिखाता हूँ, ये जो शेयर, फिर से देखिए यहाँ पे गए हम, वीडियो को प्ले किया, ये जो शेयर का ऑप्शन है इस पे जाएंगे। अब यहाँ पे जो ये शेयर का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो फेसबुक ट्विटर गूगल प्लस, उसके बाद ये 3 डॉट का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका अपना यूट्यूब खुल जाएगा। अब जैसे कि ये गूगल के पेज पे यूट्यूब खुला है, तो हम ये इसके चैनल को ओपन करते हैं, ठीक है। देखिए
ये जो इसका चैनल का वो था गूगल लिखा हुआ, इस पर हमने क्लिक किया तो ये चैनल आ गया गूगल का। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो तीन डॉट दिखाई दे रहे हैं ऊपर, फिर से ये तीन डॉट पे हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको हेल्प एंड फीडबैक का ऑप्शन आ रहा है, तो हम हेल्प एंड फीडबैक पे जाएंगे, सॉरी इस पे जाएंगे हम, हाँ तो इस पे जाएंगे हम, ये तीन डॉट पे क्लिक करेंगे। इस पे करने के बाद टर्म्स एंड प्रिवेंसी पॉलिसी जो ये ऑप्शन दिखाई रहा है आपको, टर्म्स एंड प्रिवेंसी पॉलिसी इस पे जाएंगे। तो यहाँ पे जाने के बाद अपना जो ये ब्राउज़र है अपना मोबाइल का, वो ब्राउज़र खुल जाएगा। अब ब्राउज़र खुलने के बाद हमें जाना है, हमें टाइप करना है गूगल, गूगल खोलना है हमें, तो हमने खोल लिया गूगल। तो अब यहाँ पे हम एक एप्लीकेशन हमें चाहिए, तो वो एप्लीकेशन हम डाउनलोड कर लेते हैं जो है क्विक शॉर्टकट मेकर, QUICK SHORTCUT शॉर्टकट मेकर APK। ठीक है, अपने को ये APK चाहिए, क्विक शॉर्टकट मेकर APK, तो इसको हम अब सर्च करेंगे। तो देखिए क्विक शॉर्टकट मेकर सर्च किया तो एप्लीकेशन ये ऐसा खुला, तो हम ये क्विक शॉर्टकट मेकर को डाउनलोड करते हैं। तो देखिए ये डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको। अब ये डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये गॉट इट, अब ये बोल रहा है इफ़ द डाउनलोडिंग डजंट स्टार्ट क्लिक हेयर, तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। देखिए स्टार्टिंग डाउनलोड, डाउनलोड अपना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब थोड़ी देर डाउनलोड होने तक का हमें वेट करना पड़ेगा, थोड़े से आपका ये इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करेगा, 1 मिनट 2 मिनट। ठीक है ना, नॉर्मली 1 मिनट में तो हो ही जाता है। तो देखिए अब डाउनलोड हुआ या नहीं हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो डाउनलोड हमें देखने के लिए हुआ या नहीं ये देखने के लिए हम जाएंगे ये बुकमार्क का जो ऑप्शन है, ठीक है इस पे जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे सबसे ऊपर बुकमार्क हिस्टोरी सेव पेज का ऑप्शन है, हमें जाना है हिस्टोरी पे। अब ये जाना है हमें डाउनलोड हिस्टोरी पे। देखिए ये डाउनलोड हो चुका है क्विक शॉर्टकट मेकर APK, इसको खोल लेते हैं सेटिंग। अब यहाँ पे हमको अननोन सोर्स जो ये ऑफ है इसको ऑन करना पड़ेगा, ऑन हो गया। अब इंस्टॉल, ठीक है क्विक शॉर्टकट मेकर अपना इंस्टॉल हो रहा है। अब क्विक शॉर्टकट मेकर इंस्टॉल होने के बाद अब हमें यहाँ पे इसको ओपन करना है। ये देखिए क्विक शॉर्टकट मेकर अपना ओपन हो गया। ठीक है, तो अपने को अब यहाँ पे चाहिए कैलकुलेटर, तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर टाइप कर लेते हैं CALCLU ठीक है CALCU देखिए आ गया कैलकुलेटर करके। ठीक है, अपने को क्या चाहिए था कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर आ गया। अब कैलकुलेटर को ओपन कर लेते हैं। ये देखिए अब यहाँ ऐसे ओपन करने पे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है अपना ट्राई का, तो ट्राई पे क्लिक करेंगे। देखिए अपना कैलकुलेटर खुल गया। तो कैलकुलेटर खुलने के बाद हमें यहाँ पे एक कोड डालना पड़ेगा। देखिए कोड यहाँ पे मैंने लिख के भी रखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब देखिए ये कोड पहले ब्रैकेट उसके बाद 300 सॉरी ब्रैकेट के बाद प्लस प्लस 300 1202 7 32 प्लस। ये देखिए अपना DRPSR मोटर ओपन हो गया। तो अब यहाँ पे हमको अब ADB ऑन करने के लिए अपने को करना होगा कोड एक, फिर स्टार हैज 08
08H। तो देखिए यूएसबी सेटिंग का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ में आपको यहाँ पे अपने को यूएसबी में एपी सेलेक्ट करना है, और जो यूएसबी सेटिंग है इस पर आप डीएम मोडियम प्लस एडीबी ये तीनों ऑप्शन चूज कर लीजिए, ठीक है, ये लास्ट वाला ओके, ठीक है। स्टार है 0808H, ठीक है। तो अब हम कर लेते हैं रिबूट, अब ये फ़ोन अपना स्विच ऑफ होके ऑन हो जाएगा। तो तब तक हम यहाँ पे एक टूल खोल लेते हैं अपने को, अब ये इसके बाद एक टूल से हमें FRP को रिमूव करना है। तो मैंने वो टूल ऑलरेडी डाउनलोड करके रख चुका हूँ, आपको वो लिंक सॉरी वो टूल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मैंने इसको रखा है, तो देखिए FRP एडी रूम करके ये अपना एक एप्लीकेशन है, ठीक है। ये एप्लीकेशन को मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये एप्लीकेशन अपना ओपन हो गया, ये देखिए हमारा मोबाइल भी सॉरी क्या बोलते हैं रिस्टार्ट हो गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे मोबाइल पे मोबाइल को USB से कंप्यूटर पे कनेक्ट करना है। देखिए ये हो गया अपना USB केबल, मोबाइल USB पोर्ट में लगाएंगे। आपको सैमसंग USB ड्राइवर भी इंस्टॉल कर लेना है कंप्यूटर पे, ठीक है, आपके PC पे। तो मैंने देखिए USB केबल लगा दिया यहाँ पे, देखिए नीचे इंस्टॉलिंग डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर बोल रहा है, ये देखिए यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। देखिए अपना ये मोबाइल, थोड़ी देर हमें वेट करना पड़ेगा। देखिए अब ऐसा आ जाता है, ठीक है, आपका ड्राइवर साइवर सब इंस्टॉल हो तो आपको USB केबल लगा के थोड़ी देर वेट करने पे ऐसा अलाउ USB डिबगिंग का ऑप्शन आ जाएगा, देखिए, ठीक है। USB केबल लगा के आपको कंप्यूटर से कनेक्ट कर लेना है, आपको कंप्यूटर में सैमसंग USB ड्राइवर इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद ऐसा अलाउ USB डिबगिंग का ऑप्शन आ गया, तो मैं यहाँ पे करूँगा अलवेज अलाउ फॉर दिस कंप्यूटर पे यहाँ टिक लगाऊँगा और उसके बाद ओके। अब अपने को यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे ये यह देखिए मोबाइल मैंने ऐसे ही रखा है, यहाँ पे बोल रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, ये हमने टूल ओपन करके रखा था। देखिए फिर से मैं ओपन कर लेता हूँ FRP रीसेट, ये देखिए ये अपना टूल है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है ये प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। अब आपको कीबोर्ड का आपका जो कीबोर्ड है उसका कोई सा भी की आप प्रेस कर दीजिए, स्पेस बार इंटर ABC कोई सा भी एनी की बोल रहा है कोई सा भी कर लीजिए, मैंने कर दिया ये देखिए, ठीक है। देखिए अगर एक एक बार आपको अगर समझ में नहीं आया तो फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, बस ये FRP AD रूम खोलना है आपको, ठीक है, रन आप दो तीन बार भी कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बस खोल ये टूल अपने को खोल लेना है। खोलने के बाद प्रेस यानी की टू कंटिन्यू बोल रहा है, कोई सा भी कीबोर्ड का एक की आपको प्रेस कर दीजिए, ठीक है, ये गया। अब अपने को क्या करना है, इस मोबाइल को रिस्टार्ट कर देना है। पावर की मैंने थोड़ी देर प्रेस किया, ये देखिए अब पावर ऑफ और रिस्टार्ट का ऑप्शन आ गया, रिस्टार्ट। USB केबल निकाल लीजिए कोई दिक्कत नहीं अपना, अब देखिए ये ऑन हो रहा है। देखिए एंड्रॉइड इज स्टार्टिंग, ये देखिए
अपना खुल गया मोबाइल, ठीक है, ये देखिए हो गया FRP रीसेट, मोबाइल अपना ओपन हो गया। अब आप ये चाहे तो ये क्विक शॉर्टकट मेकर वगैरह इंस्टॉल कर भी सकते हैं। देखिए मैं आपको इसका एक बार मॉडल वर्जन दिखा देता हूँ, ये देखिए सैमसंग J5 2016, ठीक है, एंड्रॉयड वर्जन 7.1.1। ऐसे ही करके बस ये J5 6 नहीं, जितने भी सैमसंग के एंड्रॉयड वर्जन 7 से ऊपर हैं उन सबको आप इसी तरीके से FRP रीसेट कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, क्विक शॉर्टकट मेकर से कैलकुलेटर पे जाना है, कैलकुलेटर ओपन करने के बाद आपको ये कोड डाल लेना है, ठीक है, +300120127322+, उसके बाद ठीक है एक और ऑप्शन आएगा उस पर आपको *0808# करके ADB मोड ऑन कर लेना है। उसके बाद आपको बस ये FRP AD ROM ये टूल आपको डाउनलोड कर लेना है। आप गूगल पे नहीं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे भी दूंगा, अगर नहीं तो आप सिंपली गूगल पे जाके ADB FRP सैमसंग टूल करके सर्च भी कर सकते हो, इस टूल से भी आप कर सकते हो, नहीं तो मिराकल क्रैक से भी आप, मिराकल बॉक्स से भी आप FRP रीसेट कर सकते हो ADB मोड ऑन करने के बाद। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, अपने मोबाइल टेक्नीशियन जितने भी दोस्त हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ नया सीखने को मिले, और कमेंट में बताना ना भूलिएगा कि वीडियो कैसी लगी और अगला वीडियो मैं किस टॉपिक के ऊपर बनाऊँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।